नमस्कार, तेज हरियाणा के सुबह के घग्गर नदी के इस अपडेट के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आज सुबह की करीब 8 बजे की, आज 2 अगस्त है और आज की हम ताज़ा अपडेट आंकड़े जान लेते हैं। इस वक्त घग्गर में किस तरीके की स्थिति है, ओटू में कितना पानी चल रहा है, घुलाचिका में 16,170 क्यूसिक पानी है, खनौरी में 9,050 है, चांदपुरा में 12,100 और रंगोई में सिर्फ 1700 क्यूसिक पानी और सरदुलगढ़ में 24,860 और ओटू में इस वक्त 19,312 क्यूसिक पानी और राजस्थान की तरफ 15,950। यानी कि कल शाम से लेकर आज की स्थिति बिल्कुल सेम है। और अगर सरदुलगढ़ में कल देखेंगे तो कल के मुकाबले आज जो पानी है वो करीब 1200 क्यूसिक कम हुआ है। और जिस तरीके से गुलाचिका में सबसे पहले पानी बढ़ा था, लेकिन अब वो कल 25,000 था और कल शाम को जो 23,000 था वो कम होकर अब सिर्फ 16,000 क्यूसिक रह गया। यानी कि अब किसी तरीके की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि घग्गर में 2 फीट पानी बढ़ने के बाद जो टूटे बांधों को किसानों ने मिट्टी डालकर मजबूत किया है। पड़ोसी पंजाब क्षेत्र से हरियाणा में आ रही घग्गर नदी का पानी फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिन में करीब 2 फीट पानी बढ़कर टूटे हुए तटबंधों से फिर खेतों में भरना शुरू हो गया, जिसके चलते आसपास के किसानों की चिंता बढ़ गई। इसके बावजूद प्रशासन के सूत्र नहीं ले जाने से किसान अपने स्तर पर टूटे हुए बांधों को बांधने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। गांव मत्तड़, लेंगेवाला, रंगा, मुसाहिबवाला, चकथिराज कलां, घग्गर नदी किनारे पंजाब सीमावर्ती विभिन्न गांवों के लोग अपने खेतों के आसपास तटबंध को संभालने में लगे हुए हैं। किसानों ने बताया कि 2 दिन से बढ़ रहे पानी के चलते पीछे से दोबारा फिर पानी आने की शंका बनी हुई है। किसान व पूर्व सरपंच सोन सिंह ने बताया है कि जीवन जमीन है जो हमारी, वो घग्गर नदी के पास है। बीते महीने में 14 जुलाई को घग्गर नदी उफान पर आई थी, बाद में रंगा गांव के पास घग्गर नदी के किनारे वाले बांध टूटने से आसपास के खेतों में जल भराव की वजह से जो काफ़ी है नुकसान वो हो गया था। करीब 15 दिन तक खेतों में पानी भरा रहा, तटबंध टूटने का खतरा रहा, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से पानी कम होने से राहत की सांस आई है। लेकिन फिर पानी बढ़ने लगा है, 2 दिन में 2 फीट पानी का स्तर ऊँचा आया है। और जहाँ पर गाँव लेंगेवाला के जो किसानों का कहना है कि घग्गर नदी में पानी फिर आ रहा है, लेकिन समय रहते जिला प्रशासन द्वारा टूटे हुए बांधों को मिट्टी डालकर मजबूत करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं पर घग्गर नदी में आई बाढ़ की वजह से 150 से ज़्यादा ढाणियां पानी में डूब गई, 300 से करीब मकानों को नुकसान पहुँचा है। बाढ़ पानी घरों में भर गया था और अब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है। घरों से पानी निकल चुका है, लेकिन धीरे धीरे लोग घरों को संभालने के लिए पहुँच रहे हैं। लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचने से कभी भी वे गिर सकते हैं। बुरजकर्मगढ़ के इंदिरा कॉलोनी खेतों में बने ढाणियों में करीब 100 घर हैं। अभी तक 10% लोग घरों में पहुंचे हैं। घर की तबाही का मंजर देखकर ग्रामीणों के आंसू निकल रहे हैं। घरों की दीवारें, सीढ़ियां टूट चुकी हैं। नीम में पानी भरने से मकान एक साइड में झुक गए हैं और फर्श धंसने से 2 से 3 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। मकानों की हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि घटना को अंजाम दे सकती है। गिराकर किसी भी हालात को देखकर गिरकर और बड़ी हादसा हो सकता है। गिरने के डर से ही लोग सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि लोन, दिहाड़ी मजदूरी, कर्जा लेकर मकान बनाए गए थे, लेकिन अब बाढ़ ने तबाह कर दी है। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द इसका जो भरपाई करवानी चाहिए। वहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने प्रशासन की तत्परता, लोगों के सहयोग से घग्गर में अधिक पानी को नियंत्रण करने में सफलता मिली, जिस पर किसान की बाढ़ से फसल खराब हुआ क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार द्वारा करवाई जाएगी। प्रधान सचिव ने मंगलवार को घग्गर नदी का दौरा किया, इस क्षेत्र के सरपंचों से बातचीत की और इस मौके पर DC SP तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने रात दिन मेहनत कर मशीनरी व अन्य उपकरणों की बाढ़ की स्थिति में नियंत्रण रखा। वहीं लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली JCB द्वारा अपने गाँव के तटबंधों को मजबूत करने में सहयोग दिया। प्रशासन में लोगों का आपसी तालमेल बेहतर रहा, इसी से नियंत्रण में स्थिति रही है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बाढ़ से गांव में मकान अन्य नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है, जिसकी जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मौके पर जाकर नुकसान की जो रिपोर्ट है उसको वो तैयार किया जाए। तो लगातार हम आपको जो घग्गर नदी से जुड़ी अपडेट बता रहे थे कि किस तरीके से अब घग्गर की तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। लोगों के मकान टूट गए हैं, फर्श नीचे बह गए हैं, मकान झुक गए हैं। तो ऐसे में लोग भी सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा है वो जल्द से जल्द दिया जाए। उधर नासरी चोपटा के क्षेत्र से होकर गुजरने वाली शेरावाली नहर गांव दड़वा कलां के पास टूट गई, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ नरमा व धान की फसलें जलमग्न हो गई है। गाँव के लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना के बाद सिंचाई विभाग द्वारा दनहराना हेड से नहर को बंद करवाया गया, लेकिन फिर भी
नहर का पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। इससे ग्राम पंचायत दरबा कला की ओर से जेसीबी मशीन बुलाकर गांव के पानी को गांव के नाले में जोड़कर बाहर निकासी किया गया है। सरपंच संतोष पहलवान ने बताया कि नहर गांव की पंचायती भूमि के रकबे में टूटी, जिसकी वजह से किसानों पर ठेके लगी हुई जमीन भी जलमग्न होगी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि नहर में सफाई है वो नहीं हुई थी, जिस वजह से ये ओवरफ्लो होती है और उसके बाद टूट जाती है। तो फिलहाल हमने O2 की अपडेट आपको दे दी है। हनुमानगढ़ में बिल्कुल स्थिति सामान्य हो गई है और वहाँ पर तो पानी मुख्य धारा में आ गया है। और सिरसा में भी अगले एक दो दिन में बिल्कुल जो फसलों में पानी खड़ा था वो भी नीचे आ जाएगा। और लेकिन O2 पर जो स्थिति बिल्कुल सामान्य है, वहाँ पर जो स्टोरेज के अनुसार पानी रखा गया है उसको उतना ही रखा जाएगा। फिलहाल जो इस वक्त राजस्थान की तरफ है वो 15,950 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि कल शाम को भी इतना था, परसों ये 15,600 था, उससे अगले दिन ये 15,250 था, उससे नेक्स्ट 18,000 था, उससे अगले दिन की बात करें तो ये 14,900 था। तो लिटिल बिट जरूर चेंज आया है, लेकिन स्थिति बिल्कुल सामान्य है।